चीज़ परिंदे बोलेंगे हम। अब 40-50 साल बाद ये सारे भेड़िए मर जाएंगे, एक नए लोग होंगे, हो सकता है वो अच्छे लोग हों, तो मुल्क थोड़ी को भी गलत होता है। मुल्क के ऊपर जो काबिज, अब मिसाल के तौर पर एक घर है किराए का, उस गिरा घर घर में कोई और गलत लोग आ गए वो ना पहुंचे। खैर मैं बस आप सब मिलकर दुआ करना कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं अल्लाह करे वो मर जाए, आमीन मर जाए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? हाँ ठीक ही होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, आप चुप करें। इनकी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल मैं बोल रही हूँ, तो सब जानते हैं इनको। तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। ओके लेट्स गो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल है हाउ पाकिस्तानी विल ब्रेक अप इनटू थ्री कंट्रीज। So, let's start. ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या है, क्या है क्या नहीं है। पाकिस्तान में एक सिविल वॉर छिड़ चुका है। जी हाँ, इमरान खान के असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद पाकिस्तानियों ने सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और पाकिस्तानी आर्मी ने इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए क्या किया? वेल, पाकिस्तानी टैंक्स की रुख बदलकर भारत से उन्हें मोड़कर अपनी आवाम की तरफ कर दिया। ये हमारे लिए पहले तो गोलियां थी, अब ये इंडिया की बजाय अब ये टैंकों का रुख जो है वो पाकिस्तानी आवाम की तरफ कर दिया गया। बट यू नो व्हाट इज द मोस्ट शॉकिंग थिंग, कि इमरान खान ने ये आज से करीब 5 महीने पहले ही सारा कुछ प्रेडिक्ट कर लिया था। उन्होंने कंप्लीट क्रोनोलॉजी देकर सबके सामने ये बताया कि सबसे पहले पाकिस्तान बैंक्रप्ट होगा, फिर उसका न्यूक्लियर स्टेटस चला जाएगा, और फिर पाकिस्तान में एक सिविल वॉर छिड़ जाएगी जिसमें पाकिस्तान 3 हिस्सों में बट जाएगा। मुल्क बैंक्रप्ट होगा, किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ ना। ये जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी, जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की, जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। वेल हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव, और पाकिस्तान में आज एक सिविल वॉर छिड़ चुका है। एक तरफ है इमरान खान सपोर्टर्स, जो बेसिकली पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इमरान खान की गवर्नमेंट चाहते हैं, और दूसरी ओर है आर्मी सपोर्टर्स, जो अब भी पाकिस्तान में आर्मी बैग शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को कायम रखना चाहते हैं। लेकिन काफी इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में परिस्थिति यहां तक आ गई है कि कई पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स भी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ और इमरान खान के सपोर्ट में खुलेआम ट्वीट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल मोहम्मद असलम ने यह ट्वीट किया कि इमरान खान का नो कॉन्फिडेंस मोशन एक पॉलिटिकल स्कैम और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है। इनफैक्ट एक और एक रिटायर्ड जनरल तारिक खान ने तो इमरान खान के खिलाफ बने इन्वेस्टिगेशन कमीशन में बैठने से भी इनकार कर दिया है, और कहा कि अब कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। इमरान की पार्टी पीटीआई को वो सपोर्ट करेंगे जो वापस पावर में आना डिजर्व करती है। एंड सरप्राइजिंगली ऐसे फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री एक्स डिफेंस ऑफिसर्स की लिस्ट बहुत बहुत लंबी है, और इसमें आर्मी से लेकर नेवी तक सभी बड़े बड़े ऑफिसर्स के नाम शामिल है, जो सब मिलकर इमरान खान के फेवर में है। तो अब जाहिर सी बात है भैया कि इमरान खान की बातों में कुछ तो दम होगा। सो वेल, आइए इस पूरे सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। ओके, सो ये है करंट पाकिस्तान, और ये है पाकिस्तान के 4 मेजर प्रोविंसेस, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। और इंटरेस्टिंगली इन चारों का कल्चर, लैंग्वेज, एथनिसिटी, सब कुछ एक दूसरे से बहुत ही अलग है। नाउ इमेजिन इमरान खान की बात अगर सच हो जाती है और पाकिस्तान डिवाइड हो जाता है, तो पाकिस्तान का मैप कैसे दिखेगा? वेल ऐसे। नाउ Obviously, you would ask, इसमें पाकिस्तान किधर है? Well, यहाँ पर। Well, friends, अगर honestly कहूँ तो पाकिस्तान में एक सिविल वॉर होना और उसका अलग अलग देशों में बंटवारा होना कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जन्म से ही तय हो गया था। पाकिस्तान का ये इलाका देख रहे हो, ये है खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पर 90% पश्तूंस रहते हैं, वो पश्तूंस जो अफगानिस्तान की ऑलमोस्ट आधी आबादी है। तो अब बस सोचो दोनों देशों में इस खैबर इलाके को लेकर कितनी मतभेड़ी होगी। बट काफी आयरोनिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान शुरुआत में अपनी इस मतभेड़ को मिटाने के लिए एक हो जाने वाले थे, और 1959 में दोनों देशों ने एक कॉन्फेडरेशन बनाने का भी डिसाइड किया था, मतलब कि दोनों देशों की एक कॉमन इकोनॉमी, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी और डिफेंस होगा, जैसे हम कह सकते हैं ब्रेक्सिट के पहले ईयू के केस में था। अब बस सोचो भारत के लिए ये कितना बड़ा थ्रेट हो सकता था। लेकिन बात ये थी कि असल में खुद पश्तूंस की सरकार भी ये नहीं चाहती थी कि खैबर पाकिस्तान में मिल जाए, और इसी वजह से ये कॉन्फेडरेशन का प्लान फेल हो गया, और इसी प्लान के मास्टरमाइंड अफगानिस्तान के पीएम को और उनकी पूरी फैमिली को एक साथ असैसिनेट कर दिया गया।
अब सोचने वाली बात यह भी है कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक होते तो इनका इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होता, क्योंकि वर्ल्ड जीडीपी में पाकिस्तान 44th और अफगानिस्तान 113th पर आता है। पर अगर हम बात करें इंडिया की तो हम 5th रैंक पर आते हैं, जिसके जीडीपी में 54.27% कंट्रीब्यूशन आता है सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री का। जैसे मैं आपको बता रहा था, अफगानिस्तान के पीएम का उस समय पूरी फैमिली के साथ असैसिनेशन हो गया था। बट ये इतना सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि पाश्तूंस को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक इनसिक्योरिटी शुरू से ही मौजूद थी। बात ये है ना, 1947 में जब पार्टीशन की बात चल रही थी, तब ये डिसाइड हुआ था कि डिस्प्यूटेड खाइबर रीजन में रेफरेंडम हो, मतलब लोग ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें किस साइड पे रहना है। अब इस रेफरेंडम में मेजॉरिटी पाश्तूंस ने ये कहा कि उन्हें पाकिस्तान का हिस्सा बनना है, बट खाइबर के चीफ मिनिस्टर और उनकी पार्टी को पाकिस्तान का हिस्सा बनना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। और इसी बात का फायदा उठाया अफगानिस्तान ने और स्टार्ट कर दिया पाश्तून मूवमेंट, जिसका मेन मोटिव था या तो खाइबर को अफगानिस्तान का पार्ट बना दिया जाए या फिर एक इंडिपेंडेंट कंट्री पाश्तूनिस्तान। ये डूरैंड लाइन देख रहे हो, ये लाइन खाइबर और अफगानिस्तान को डिवाइड करता है, पर अफगानीज इस लाइन को मानते ही नहीं है। उनके हिसाब से तो खाइबर अफगानिस्तान का ही पार्ट है। इनफैक्ट 1947 में जब पाकिस्तान को एज अ नेशन रिकॉग्नाइज करने पर वोट चल रहे थे, तब अफगानिस्तान अकेला ऐसा देश था जिसने पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट किया था। और फिर वक्त के साथ साथ अफगानिस्तान से स्टार्ट हुई सेपरेटिस्ट चिंगारी को और हवा मिलना शुरू हो गया, जब खुद खाइबर में कई सेपरेटिस्ट ग्रुप्स और पाश्तून एसोसिएट्स डेवलप होने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल पाश्तून तहफूज मूवमेंट इन 2014, जो कुछ सालों से ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है ऐसे नारे लगाने के लिए काफी मशहूर है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान का करंट अनरेस्ट देखे तो सालों पहले लगी चिंगारी का एक बड़ी आग में बदलना कोई मुश्किल बात नहीं है, और ना ही मुश्किल है यहाँ पर एक नए देश का बनना पाश्तूनिस्तान। अब थोड़ा नीचे उतरते हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान साउथ वेस्ट, जहाँ पर एक अलग देश बलूचिस्तान बनने के चांसेस काफी हाई है। बलूचिस्तान का मैटर आपको पता होगा बहुत पहले से ही चल रहा है, आर्मी वहाँ पर जास्ती करती है और बलोची लोगों को अपना खुद का देश चाहिए। बलूचिस्तान असल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा रिसोर्स रिच स्टेट है, जहाँ पर गोल्ड, कॉपर, कोल, मार्बल, आयरन, ये सब रिसोर्सेज भारी मात्रा में मौजूद है। लेकिन ये आज दिखता कैसे है? कुछ ऐसा। यहाँ की 6 मिलियन आबादी आज तक बंजर जमीन और बिना बिजली और साफ पानी वाले घरों में रहती है, और इनकी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बस यही शिकायत है कि उनके रिसोर्सेज को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से निचोड़ दिया है और बदले में बलोचीज को सिवाय अंडर डेवलपमेंट के कुछ नहीं दिया है। इनफैक्ट बलोची लोग और उनके होमलैंड को इतना एक्सप्लॉइट किया गया है कि एक समय ऐसा आ गया था कि बलोचीज ने परेशान होकर अपनी खुद की आर्मी तक खड़ी कर ली थी। इस आर्मी का नाम है बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसमें 6000 जवान है और इनका नारा है फॉर अ ग्रेटर बलोचिस्तान। इस आर्मी ने कई बार पाकिस्तान में अटैक्स किए हैं, कभी अपने बचाव में तो कभी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के ऊपर, पर हर बार रीजन एक होता है, उनकी अपने लैंड और अपने लोगों को लेकर इनसिक्योरिटी। यहाँ तक कि 2004 में BLA ने पाकिस्तान में काम कर रहे चाइनीज वर्कर्स पर भी अटैक कर दिया था, जिसके जवाब में खुद पाकिस्तानी आर्मी बलोचीज के अगेंस्ट खड़ी हो गई थी। बट इस लिस्ट में सबसे शॉकिंग था वो अटैक जो 2005 में BLA ने एक पैरामिलिट्री कैंप में करवाया था, और मैं शॉकिंग इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वही कैंप था जहाँ पर पाकिस्तान के देन PM परवेज मुशर्रफ का आना शेड्यूल था। एंड गेस व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, मुशर्रफ तो बच निकले बट उन्होंने BLA के चीफ नवाब अख्तर बुख्ती को मरवा डाला। मुशर्रफ को डेफिनेटली ये लगा था कि इस एक मूव से बलूचिस्तान रिबेलियन टूट जाएगा, बट इसका उल्टा हो गया और वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। इनफैक्ट करंट सिचुएशन को देखते हुए ex-PM इमरान खान ने तो रिसेंटली ये तक कह दिया है कि बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट यानी ग्रेटर बलूचिस्तान बनने में इंडियंस भी मदद कर रहे, जिसके लिए खुद बलूचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी के चीफ ने PM मोदी जी को शुक्रिया तक कहा है। आई थैंक प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ऑन द बिहाफ ऑफ होल बलूच नेशन। तो ऑब्वियसली सोचने वाली बात यह है कि जब पाकिस्तान की करंट सिचुएशन इतनी नाजुक है, ऐसे में अगर बलूचिस्तान में सिविल वॉर की जरा भी लहर आ गई तो पाकिस्तान ये सारा प्रेशर एक साथ हैंडल नहीं कर पाएगा और ग्रेटर बलूचिस्तान बनना लाजमी हो जाएगा। एनीवे, बलूचिस्तान से थोड़ा राइट जाते हैं सिंध की तरफ, जो कि 94% पाकिस्तानी हिंदूज का भी घर है, लेकिन सिंध का कैपिटल कराची ये अड्डा है पाकिस्तान के सबसे बड़े टेररिस्ट ग्रुप्स जैसे अल सुन्नत वल जमात, लश्कर ए झांगवी और तालिबान और अलकायदा तक का। इसका नतीजा कराची सिंध का सबसे एडवांस शहर, यहाँ इवन दो सिंध की सिर्फ 25% पॉपुलेशन रहती है, फिर भी पूरे सिंध का 75% रोजगार उन्हीं गिने चुने लोगों के पास जाता है, जिस वजह से 1970s में एक छोटा सा सिंधी नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, एक
सेपरेट सिंधु देश बनाने के लिए, पर मूवमेंट को उस वक्त पब्लिक का खास सपोर्ट नहीं मिला। बट रिसेंटली पाकिस्तान में चल रहे माहौल के दौरान पाकिस्तान के एक टॉप लीडर ने यह कहा है कि खुद पाकिस्तानी आर्मी और ISI सिंध को सिविल वॉर की तरफ ढकेल रहे। अब सवाल यह है कि क्या सिंधी नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो पहले इतना इफेक्टिव नहीं हुआ था, अब अपने इरादों पर कामयाब हो पाएगा या नहीं। एनीवे, सिंध के पास एक और मिलता जुलता स्टेट है, पंजाब का। पर पंजाब की कहानी बाकियों से काफी अलग है। सो ये तो हम सभी को पता है कि जब पार्टीशन था तो पंजाब के 320 मिलियन लोगों में 53% मुस्लिम्स थे और हिंदू थे सिर्फ 15%। अब ऑब्वियसली ये वही टाइम था जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कम्युनल टेंशन अपना सबसे दर्दनाक रूप ले चुका था, और इन टेंशन के फोर फ्रंट पर थे ऐसे इलाके जहां मेजोरिटी और माइनॉरिटी के नंबर में बड़ा अंतर था, जैसे कि बंगाल, पंजाब एटसेट्रा। हेंस 1970s में इंडिया में स्टार्ट हो गया खालिस्तानी मूवमेंट, जो बेसिकली एक डिमांड थी फॉर अ सेपरेट खालिस्तान, यानी सिखों का लैंड। बट इंदिरा गांधी के ऑपरेशन ब्लू के बाद, जहां एक तरफ इंडिया में खालिस्तानी सेपरेटिस्ट वीक होते गए, वहीं दूसरी तरफ कनाडा, US और पाकिस्तान में उनका बेस बढ़ता चला गया। अब हालांकि इनकी दुश्मनी मेनली इंडिया से है, बट इंटरेस्टिंगली खालिस्तानी आइडियोलॉजी वाले एक ग्रुप सिख्स फॉर जस्टिस ने रिसेंटली सोशल मीडिया पर यह कहा है कि वो एक ग्रेटर खालिस्तान बनाना चाहते हैं जिसका हेडक्वार्टर होगा लाहौर में। वेल, ये एक धमकी है या नहीं ये एग्जैक्टली कहना थोड़ा मुश्किल है, बट एक ऑलरेडी स्ट्रगलिंग नेशन के लिए ये खतरे की घंटी जरूर है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान पॉलिटिकली तो डूब ही रहा है, लेकिन उसकी इकोनॉमिक नाव में भी बड़े छेद है। वेल, आप भी एग्री करोगे ही कि किसी भी देश की पब्लिक के तीन बेसिक शिकायतें होती है। सबसे पहला बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी, और पाकिस्तान में ये तीनों शिकायतें चरम सीमा पर है। बस इमेजिन करो एक देश जहां पर 35% पब्लिक की डेली आमदनी बस 600 रुपए है, लेकिन वहां पर एक टाइम के खाने की थाली इन्फ्लेशन के कारण 200 रुपए की हो गई है। अब ऐसे में अगर एक आदमी की चार जन की भी फैमिली है तो एक जन को तो रोजाना भूखा रहना ही पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भी पाकिस्तान में ऑलमोस्ट आधे घर मॉडरेट से सीवियर लेवल ऑफ फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक चीज 10 रुपए किलो मिल रही थी, अब वो 100 रुपए किलो हो गई है, वो क्या करेगा? वजह लोगों के पास पैसा नहीं है। जैसे पहले सौदे हमारे बिकते थे स्पीड के साथ, वैसे नहीं बिकते। लोगों के हालात खराब है, लोगों की रोटी पूरी नहीं होती, फ्रूट कौन खाएगा? और इसीलिए अब पाकिस्तान की जनता भूखे पेट ही सही, लेकिन सड़कों पर उतर आ गई है। अब देखना बस ये है कि उनका ये गुस्सा क्या रूप लेगा। वेल, आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? लिखिए अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में। पाकिस्तान में एक सिविल वॉर होगा या फिर पाकिस्तान एक और बार इस मुश्किल वक्त का अच्छे से सामना कर लेगा? राइट डाउन योर ओपिनियन डाउन बिलो। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नई बात जानने मिली, एक लाइक जरूर ठोकना, सब्सक्राइब फॉर मोर, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके। सी यू नेक्स्ट टाइम। As always, stay curious, keep learning and keep growing. जी भाई, जनाबे आलिया, ये थे। अच्छा, पाकिस्तान मैं के नोट कर रहा था कि वैसे शायद आप इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स पे वीडियो नहीं देखते हो शायद, मतलब ज्यादातर लड़कियां। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, लेकिन आप अभी आज मैंने नोट किया, इमरान खान का बर्थडे, विश करें उसको हैप्पी बर्थडे। कल था, आज है। आज इमरान खान का बर्थडे। आज भतीजा जो है वो कह रहा था कि पापा जो है वो केक काटेंगे इमरान खान का बर्थडे। बिल्कुल, तो भाभी कह रही थी कि कभी उन्होंने शादी की सालगिरह का तो केक काटा नहीं, उसका बाप लगता है उसका केक काटेगा। ये हाँ, तो खैर मतलब उसके लिए केक काटेगा ना कि उसका केक। अच्छा, इमरान खान सारे सलूशन का हल नहीं है इमरान, लेकिन लेकिन मैं आपको बताऊँ, मसला ये है कि लोगों को एक उम्मीद है कि शायद यहाँ से हमारी सारे, देखिए जब जब इंसान के पास कोई उम्मीद ना हो तो जो एक बंदा बोलता रहता है या एक बंदा कहता यार है, उसका एक डायलॉग बहुत फेमस है कि जब मैं नहीं डरता, जब मैं किसी का गुलाम नहीं बनता तो मेरी आवाम क्यों किसी के गुलाम बने। कुछ लोगों को इंस्पायर कर दिया इसके ये जुमले ने। ठीक है ना, लेकिन मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का वाकई अब कोई हल नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सच बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा हमारे मामला धस चुके हैं, मामला बहुत बिगड़ चुके हैं, लेकिन लोगों को एक उम्मीद है इनसे, इनकी बातों की वजह से। इन्होंने भी 4 साल तक तकरीबन दिए, क्या किया, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मैं ये चीज़ नोट कर रहा था कि आप बहुत ज़्यादा गौर से सुन रही थी या बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी, जबकि शायद आप इस तरह की वीडियो देखती नहीं देखती हूं, लेकिन एक फिक्र अंगेज बात है। देखिए, कुछ भी है, जितना बुरा है, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊँ, हमारा मुल्क है। मैं आपको सच बताऊँ,
अक्सर लोग कहते हैं ना जैसे यार आप अपने मुल्क के बारे में ऐसे कहते हो, मैं कहता हूँ देखो मुल्क एक अलग चीज़ है, मुल्क के ऊपर जो लोग गंदे आ गए हैं वो एक अलग चीज़ है। बोलेंगे हम अब को। अब 40-50 साल बाद ये सारे भेड़िए मर जाएंगे, एक नए लोग होंगे, हो सकता है वो अच्छे लोग हों, तो मुल्क थोड़ी को भी गलत होता है। मुल्क के ऊपर जो काबिज, अब मिसाल के तौर पर एक घर है किराए का, उस घर में कोई और गलत लोग आ गए, वो घर का पेंट कीड़े मकोड़े बना देंगे, दीवार पे दीवारें तोड़ देंगे, जितना भी अच्छा डेकोरेट होगा उसको खराब कर देंगे। कल को हो सकता है सही किराएदार आ जाए वो उसको और अच्छे से बनाएंगे। तो मैं ये डिपेंड, तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि कोई मुल्क खराब होता है, मुल्क का जो निज़ाम संभालने वाले हैं वो अगर चोर डाकू आ जाए तो वो एक, और वो भी मैं आपको समझता हूँ कि जब एक जाहिल लोग हो जाए ना, आवाम जाहिल हो जाए, उनको तालीम ना दी जाए, उनको शऊर ना दिया जाए, तो उसके बाद ये जाहिलियत जो है, हम अपनी जाहिलियत की वजह से जाहिलों को खड़ा कर देते हैं। आपको पता है अभी कह रहे हैं कि एक ऐसी बनाई जाएगी कोर्ट इस्लामाबाद में, बड़ी ख़तरनाक बात है ये, मैं बताने लगूँ, एक ऐसी कोर्ट बनाई जाएगी जिसका जज जो है वो प्राइम मिनिस्टर और सदर जो है वो डिसाइड करेंगे इसका जज कौन होगा। आखिरी अदालत वो होगी, उस अदालत के जज ही जब इनके सेलेक्ट किए हुए हैं तो बेड़ा गरक ही होगा, तो आप को तो डर ही नहीं होगा किसी फैसले का। अभी तो कहीं ना कहीं अदालतों का डर होता है इनको, अदालत मेरे खिलाफ फैसला ना दे दे, अदालत मेरे खिलाफ, अभी भी सारी मिली भगत चल रही है। अच्छा, जहाँ पे लॉ नहीं है, गरीब के लिए अलग कानून, अमीर के लिए अलग कानून, हमारे पॉलिटिशियंस ने अपने लिए हिसाब किताब कानून बना लिए, तो आवाम में ये नफरत पैदा होनी है। जब बलोचों में नफरत या पंजाबियों में नफरत या सिंधियों में नफरत या पख्तून में नफरत होनी है यार, आपको हक ही ना मिले, आपकी नस्ल दर नस्ल गरीब से गरीब होती जा रही है, आपके पॉलिटिशियन अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। आपको पता है हमारे पॉलिटिशियन के बच्चे कहाँ हैं? बाहर है, पाकिस्तान में तो कोई भी नहीं है, ठीक है ना। इनकी तालीमें बाहर हैं, इनको पता ही नहीं है कितने स्कूल हैं, कितने हॉस्पिटल हैं। आपको पता है एक औरत ने सड़क पर बच्चे को जन्म दे दिया, मतलब इतना बेड़ा गर्क है हमारे मुल्क का कि एक औरत हॉस्पिटल जा रही है, वहाँ निज़ाम नहीं है, तो सड़क पर औरतें पर्दा करके खड़ी हो गई। और एक हॉस्पिटल की वीडियोस आई कि हॉस्पिटल में बारिश का पानी है तो हॉस्पिटल का जो बेड है उसके नीचे ईंटें रख के उसको ऊपर किया गया है, बारिश का पानी और मरीज बैठे हुए लेटे हुए, मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत बुरी हालत है। मैं मतलब हद हो गई। और ये सिविल वॉर क्या होती है पता है, जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है तो सिविल वॉर की तरफ कंट्री चला जाता है, एहतजाज की तरफ चला जाता है। हमारे मुल्क में बिजली का अलग एक मसला, जहाँ बिजली नहीं जाती थी वहाँ भी जा रही है, और इंटरनेट दबाया जा रहा है, इंटरनेट बंद किया जा रहा है, उसकी वजह के समझी जा रही है कि आपकी जो बातें हैं या आपकी जो वीडियोस हैं इधर से उधर वाली शेयर ना हो, अफरा तफरी कम से कम तो दबाया जा रहा है। और इमरान खान के जो जलसे हो रहे हैं वो इमरान खान के लोग बातें वगैरह वो ना पहुँचे, वो एक दूसरे तक ना पहुँचे। खैर, मैं बस आप सब मिलकर दुआ करना कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं अल्लाह करे वो मर जाए, आमीन मर जाए। बात ही खत्म कर दोबारा किसी और वीडियो के साथ, और इमरान खान छोड़ जाए क्योंकि मैं इमरान खान की बहुत बड़ी फैन हूँ, वो छोड़ जाए, और इसके अलावा बाकी जो है जितने भी नाम के शरीफ हैं वो सब मर जाए, आमीन। तो बस फिर किसी और वीडियो के साथ, नई खबर के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।